हेलो गाइज, मैं गौरव एंड अभी हम आ चुके हैं भोपाल रानी कमलापति स्टेशन पर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई हुई है और काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, यानी कि उनको देखने के लिए। और यहाँ पे आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सो आइए चलते हैं, अभी हम एंट्री लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। वो खड़ी बंदे भारत। सो गाइज, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ का व्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और कुछ ही देर में अभी सामने वाले स्टेशन पर प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। और यहाँ का ये जो आपको रानी कमलापति स्टेशन पर आपको ये ट्रेन दिख रही है खड़ी हुई, यही है वंदे भारत एक्सप्रेस और इसी का इनॉग्रेशन होने वाला है आज। तो देखिए, आप कुछ क्षण में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं गाइज। थैंक यू। मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उद्योगों के मामले में भी अभी राज्य निरंतर नए किसानों की तरफ बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों से जहां युवाओं के लिए अनंत अवसरों की संभावनाएं भी बढ़ रही है, भारत का मध्य वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित पिछड़े हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ। अब इसीलिए ये लोग घोषणा दे रहे हैं, ये लोग नए नए पैसे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, भोपाल के नागरिक भाई बहनों को इस आधुनिक ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सभी का सफर मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। के आशीर्वचन और प्रशंसा से यकीनन मध्य प्रदेश वासियों को निरंतर प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वचन हर मध्य प्रदेश वासी का कि हम आपकी आशा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार। मध्य प्रदेश की